गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज डेट 22 सितंबर और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3। सब्जेक्ट आपका गणित है, क्लास आपकी 8th है। तो वर्कशीट नंबर 1 और 2 में हमने जाना था कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो आज हम जो परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप आई होप कि आप भूल गए होंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है, या फिर याद होगा आपको परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्याएं होती हैं जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और क्यू जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो देखो, अगर मैं आपको आपसे पूछूं क्या टू परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैं 2 को 2/1 लिख दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 25 परिमेय संख्या है, हाँ 25 भी एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों एक और बात कि अगर हमें जो परिमेय संख्या है ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक होता है नेगेटिव, अगर हमें नेगेटिव परिमेय संख्या लिखना है तो 25/5, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, -5 या तो यहाँ लगा दूं, यानी कि एक पर होना चाहिए 5, या तो जो आपका ऊपर वाला हिस्सा होता है न्यूमरेटर पे होना चाहिए या फिर डिनोमिनेटर पे होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि अगर आप बात करते हैं तो अब आपको ये भी बात पता होगी कि जो ऊपर वाला होता है उसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, यानी कि जब अंश और हर पे डिफरेंट साइन होगा, डिफरेंट सिंबल होगा, जैसे 5/7 यहाँ पर दिया हुआ है, अगर मान लो दोनों पे माइनस होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, यानी कि ये धनात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक नहीं रहेगा। अब दोनों में या तो एक के ऊपर तो नेगेटिव होना चाहिए, या तो इसके ऊपर तो भी ये नेगेटिव हमारा परिमेय संख्या होगी, या फिर ऊपर वाले के ऊपर, ठीक है, ऐसे। और ये दोनों ही हमारी क्या है, सेम है। अगर मैं कहूँ कि 5/7 इज इक्वल टू, यहाँ इसके ऊपर साइन है और यहाँ इसके ऊपर साइन है, ये दोनों ही बराबर है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे। एक और बात मेरे को आपको बतानी है कि देखो बच्चा, जो हमारी नंबर लाइन होती है, जो नेगेटिव नंबर होते हैं, जो ऋणात्मक नंबर होते हैं उनको नेगेटिव नंबर बोलते हैं। तो 0, 1, 2 आपको पता है कि इस साइड, राइट हैंड साइड, आप जिस हाथ से लिखते हैं उस साइड जब लाइन बढ़ती है तो नंबर बड़े होते जाते हैं। अब जब इस साइड लाइन बढ़ती है माइनस में तो नंबर क्या हो जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, ठीक है। अब ये भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब देखो, मान लो मैं कहती हूँ और मैंने बहुत बड़ा नंबर लिख दिया है, यहाँ पे इतना बड़ा नंबर लिख दिया है और यहाँ पे लिखा है मैंने 1। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो आप फटाक से बता दोगे कि ये वाला बड़ा है। लेकिन अगर मैं इसके आगे माइनस का साइन लगा देती हूँ तो ये बड़ा नहीं रहेगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जितना नंबर माइनस में बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, क्योंकि आपको, देखो ये समझ लो, आप इस तरीके से याद रखो कि आपके ऊपर भार बढ़ेगा अगर आपको इतने सारे रुपए देने होंगे। एक तो आपको इतने रुपए किसी को देने हो, एक आपको इतने रुपए किसी को देने हो, है ना। तो यानी कि ये आपके ऊपर कर्ज है, माइनस का मतलब आपके ऊपर कर्ज है, ये याद रख लो। तो कर्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे ऊपर भार बढ़ेगा, तो वो एक नेगेटिव चीज है। तो अगर नेगेटिव साइन लग जाता है तो नंबर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो हम यहाँ चलते हैं, अपनी वर्कशीट को समझेंगे। ईशा ने बैंक से 1500 रुपए निकाल लिए। अब उसने निकाल लिए हैं तो उसके बैंक में कितने हो गए, -1500 हो गए, यानी कि उसके जितने पैसे थे उसके बैंक के अकाउंट में, तो अब उसमें से 1500 कम हो गए। अब पेट्रोल की खान समुद्र तल से, यानी कि समुद्र तल से जो भी चीजें ऊपर होती हैं उनकी हाइट हम पॉजिटिव में मापते हैं, ऋणात्मक में मापते हैं, और जो नीचे होती है उनकी हाइट हम धनात्मक में मापते हैं, नेगेटिव में मापते हैं। ऋणात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो -20 हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। फिर दीक्षा 1/4 नाली के जो पैसे थे वो 1/4 नाली में गिर गए, तो क्या हो गए, उसके पास नहीं रहे तो माइनस हो गए, घट गए ना उसपे से। अब शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है, तो -2 मंजिला नीचे खड़ी है। लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम है, तो 0 से ऊपर जो चीजें होती है वो पॉजिटिव होती है, 0 से नीचे क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो -16 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो पूर्ण भी हो, धनात्मक हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक भी हो, तो ऐसी एक ही संख्या है जो है 0, ठीक है ना। 0 पॉजिटिव होती है, ना नेगेटिव होती, न्यूट्रल होती है। अब हम बताएंगे -26 और -7 में से कौन सा बड़ा है। आप 26 लिख लीजिए और 7 लिख लीजिए। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा तो डेफिनेटली 26 बड़ा होगा, लेकिन अगर इसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा तो ये हमारा कौन सा बड़ा हो जाएगा, हमारा 7 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। माइनस लगने के बाद जितना नंबर बड़ा होता है वो उतना ही छोटा हो जाता है जब उस पे साइन माइनस का लग जाता है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए -5/7 और -5/7 दोनों ही संख्या क्या है, बराबर है। अब इसमें चलेंगे, ये भी क्या है, बराबर है।
यहाँ पे देखेंगे ये भी दोनों बराबर है, यहाँ पे देखेंगे ये जीरो से जीरो कट गया, 1/10 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारी बड़ी हो जाएगी। फिर 27, अब जो आपका हर है, अगर हर सेम हो, हर ये वाला और ये वाला अगर हर सेम हो तो जो अंश है, ठीक है, जो अंश बड़ा होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा। तो इसमें से ये 1-1 बड़ा है, इसमें से 2 बड़ा है, क्योंकि जितना बड़ा नंबर होता है माइनस में उतना ही छोटा हो जाता है। तो अब ये बड़ा है और 25/4 में ये बड़ा है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिख, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।